दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल मूवीज फॉर टेक पर स्वागत है। सबको पता ही होगा कि कुछ दिनों से इंडिया चाइना की बहुत टेंशन है LAC पर, और इंडिया ने भी कुछ उनकी इकोनॉमी पर हमला किया है कुछ अलग तरीके से, डिजिटल तरीके से। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने कल ही हमारे पास आधे घंटे पहले ही हमारे पास खबर आई है कि इंडिया ने मोदी सरकार ने टिकटॉक ऐप बैन कर दिया। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इंडिया से टिकटॉक ऐप है जो बैन कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, और कुछ 59 चाइनीज ऐप्स भी हैं टिकटॉक को मिलाकर 59 चाइनीज ऐप्स है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करने का फैसला लिया है। दोस्तों ये ऐप बैन हो गए हैं। दोस्तों इंडिया में कुछ ही दिनों में प्ले स्टोर से भी ये ऐप हट जाएंगे दोस्तों इंडिया में से। दोस्तों और दोस्तों, अगर आपको पता होगी टिकटॉक में तो कुछ क्यों बैन हुआ ये आपको पता है, क्योंकि चाइना से हमारी टेंशन थी पहले से, बहुत पुरानी जंग है दोस्तों, और कुछ इसमें जो कंटेंट जो वीडियोस अपलोड होती थी वो बहुत अच्छी नहीं होती थी, जो चाइल्ड एब्यूज के खिलाफ थी, जो चिल्ड्रंस के खिलाफ थी दोस्तों, उनमें जो वीडियोस थी। पर हाँ, माना कि इसमें कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी थी, एंटरटेनिंग वीडियोस। कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो चाइनीज ऐप्स हैं उनको भी बैन कर दिया गया, जैसे कि टिकटॉक से रेड ग्राफ फैक्ट्री, यूट्यूब ब्राउजर, कैम स्कैनर और बाकी ऐप्स की लिस्ट है जो मैंने स्क्रीन पर दे दी है। और उसमें कुछ मैं बहुत खुश हूँ, मैं ही नहीं बल्कि बहुत दोस्त हमारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत खुश हैं, कैरी में नहीं बहुत खुश है, क्योंकि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बहुत दिनों से चल रहा था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस कमेंट शुरू कीजिए टिकटॉक मैन के द्वारा दोस्तों।